आज हमें उत्तराखंड की बड़ी खबर, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 95,56,881 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 35,551 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 526 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 138,946 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 491 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 179 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 76, पौड़ी में 52, चमोली में 42, अल्मोड़ा में 25, पौड़ी में 24, टिहरी में 23, बागेश्वर में 18, उधमसिंह नगर में 16, उत्तरकाशी में 13, चंपावत में 9, रुद्रप्रयाग में 8, पिथौरागढ़ जिले में 6 संक्रमित मिले। प्रदेश में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इसमें एम्स ऋषिकेश में 5, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 3, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 1 और हिमालयन हॉस्पिटल में 1 मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1,263 पहुंच गई है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं वे वास्तव में दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसा करने से दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मास्क न लगाने वालों से कोविड सेंटर पर सेवा कराने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मसाला किंग महाशय धर्मपाल नहीं रहे, तो MDH मसाले के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी 97 साल का बृहस्पतिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित गुलाटी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कैशलेस इलाज का अंशदान दिसंबर से वेतन से कटेगा, तो ₹250 से लेकर के ₹1,000 तक प्रति माह होगी कटौती। बेरोजगारों ने आयु सीमा में और शिथिलता मांगी, तो हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा में 6 माह की राहत देने के बाद अब बेरोजगार 2 साल और राहत की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। नैनीताल के बेतालघाट से खबर आई है, जहां पर किशोरी को 3 युवकों ने घर से उठाया। बेतालघाट ब्लॉक में दूसरे दिन सड़क किनारे जंगल में बदहास पड़ी मिली, तो पुलिस को सूचना देकर परिजनों ने दुष्कर्म की जताई शंका। तो बेतालघाट ब्लॉक के एक गांव में 3 युवक बुधवार शाम 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर ले गए और बाद में उसे जंगल में फेंक दिया। बृहस्पतिवार की सुबह किशोरी बदहास हालत में जंगल में मिली। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई है। खो खो और तलवारबाजी संघ के चुनाव पर रोक, तो हाईकोर्ट ने राज्य में खो खो और तलवारबाजी एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है। मंत्री ने तय की स्मार्ट सिटी के कार्यों की समय सीमा, तो अगले साल तक निपट सकते हैं काम। शहरी विकास विभाग ने कसी कमर, तो अगले साल की आखिरी तिमाही तक अपना देहरादून स्मार्ट बन जाएगा। शहरी विकास विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। 30 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, तो शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का काम शुरू हो गया। इसके तहत एक बस देहरादून आ चुकी है। वर्ष 2030 तक 30 बसें देहरादून में चलनी शुरू हो जाएंगी। दून में फैलेगा सीसीटीवी का जाल, तो राजधानी में पुलिस सीसीटीवी का फैलाने की तैयारी कर रही है। कल से IMA परेड के चलते रूट रहेगा डाइवर्ट। भारतीय सैन्य एकेडमी में होने वाली पासिंग आउट परेड के मद्देनजर क्षेत्र में रूट डाइवर्जन प्लान लागू रहेगा। 12 दिसंबर को होने वाली परेड के कार्यक्रम 5 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। इसके मद्देनजर एक निर्धारित समय में IMA क्षेत्र पूरी तरह से जीरो जोन में रहेगा। दून से 11 दिसंबर से चलेंगे उज्जैन और इंदौर एक्सप्रेस। तो रेलवे बोर्ड ने 11 दिसंबर से देहरादून उज्जैन और देहरादून इंदौर एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। इसमें से देहरादून से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, इंदौर और उज्जैन आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। DLED प्रवेश परीक्षा आज स्कूल बजट के लिए मोहताज, तो शहर के 31 केंद्रों में शुक्रवार को DLED प्रवेश परीक्षा होगी। कई अशासकीय स्कूल भी शामिल हैं। अशासकीय स्कूलों ने विभाग के ₹1400 बजट को नाकाफी बताया है। हेली एम्बुलेंस को आयुष्मान योजना में शामिल करने का प्रस्ताव, तो एम्स प्रशासन ने अटल आयुष्मान योजना के तहत हेली एम्बुलेंस सेवा को योजना के सम्मिलित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। दिव्यांगों ने मनाया काला दिवस, प्रदर्शन में पुलिस से नोकझोंक हुई है, तो पेंशन बढ़ाने, रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर दिव्यांगों ने किया CM आवास का कूच।
यूटीयू ने अटकाया रिजल्ट, हजारों छात्र हो रहे परेशान। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से बीटेक अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी करने में हो रही देरी से हजारों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। पुलिसकर्मी बता महिला से जेवरात ठगे तो पटेल नगर थाना क्षेत्र की कारगी रोड पर हुई घटना, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खुद को पुलिसकर्मी बता करके एक युवक ने महिला से जेवरात ठग लिए। युवक महिला को नकदी नकली जेवरात वाला पैकेट पकड़ाकर रफू चक्कर हो गया। आरोपी के साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को की तलाश शुरू कर दी है। किसानों से वार्ता बेनतीजा खत्म, तो सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। सूत्रों के अनुसार अब अगली बैठक शनिवार को हो सकती है। आयुष्मान योजना में उत्तराखंड के अस्पताल देश भर में टॉप पर, तो आयुष्मान योजना में इलाज देने के मामले में उत्तराखंड के अस्पताल देश भर में सबसे आगे हैं। सरकारी, प्राइवेट और दूरस्थ श्रेणी के अस्पतालों की सूची में राज्य के अस्पतालों में देश में सर्वाधिक मरीजों का इलाज किया गया है। HDFC के नया क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के नए डिजिटल सेवा और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। 2 साल में HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट में कई बार व्यवधान को लेकर के RBI ने ये आदेश जारी किया है। 5 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया, तो UK 83 उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने 2 साल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर अपना विवरण एक बार भरना अनिवार्य है। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर वे आयोग की परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। फॉर्म भरने वाले चूक के चलते बार बार निरस्त हो रहे आवेदनों की संख्या को घटाने के लिए आयोग ने यह व्यवस्था लागू की है। आयु सीमा बढ़ने का इंतजार कर रहा आयोग, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने गुरुवार को बताया कि आने वाले दिनों में स्नातक स्तर सहायक, लेखाकार, बंदी रक्षक और सचिवालय स्वच्छक के करीब 1000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी है। कोरोना के कारण उम्र सीमा पूरी कर चुके बेरोजगारों को इसके तहत मौका देने के लिए सरकार के का इंतजार है। इधर LT भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो रही है। जरूरत पड़े तो इसमें भी उम्र सीमा पूरी कर चुके बेरोजगारों को मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 1000 के लगभग पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी है। तो कुछ ही दिनों में यहाँ पर बंदी रक्षक, सहायक, लेखाकार, सचिवालय स्वच्छक के करीब 1000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दून से हरिद्वार 4 लेन फरवरी तक बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दिल्ली देहरादून 4 लेन हाईवे पर फरवरी से यातायात शुरू हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग से 15 और बीमार, तो बड़कोट, उत्तरकाशी के बड़कोट से खबर है, जहाँ पे बड़कोट तहसील के अंतर्गत क्वाल गांव में फूड पॉइजनिंग से दूसरे दिन 15 और लोग बीमार पड़ गए, जिनको बड़कोट हॉस्पिटल पहुँचे, जबकि 41 बीमार बड़कोट और नौगांव चिकित्सालय में पहले से भर्ती हैं। इनमें से 4 गंभीर बीमारों को बड़कोट हॉस्पिटल में बुधवार देर शाम हायर सेंटर रेफर किया गया तथा अन्य का उपचार चल रहा है। पौड़ी पुलिस ने 1 महीने में 3000 चालान किए। UOU के छात्र 31 तक करें असाइनमेंट जमा, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की केंद्र संख्या 15027 राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में शीतकालीन परीक्षा 2020-21 के लिए नामांकित BA के छात्रों के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। रुद्रप्रयाग महाविद्यालय में 4G इंटरनेट सेवा शुरू हो गई। शादियों पर रहेगी कड़ी नज़र, तो पुलिस की शादी समारोह पर कड़ी नज़र रहेगी। स्वीकृति से अधिक अतिथियों के एकत्रीकरण पर व कोविड मानकों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पुलिस शादी समारोह में जाकर लोगों को मास्क वितरण के साथ ही जागरूक भी करेगी।
पिथौरागढ़ में फर्जी आईडी से ठहरे थे शूटर। तो युवती के पिता सुनील वेदी को युवक जयंत पसंद नहीं था, लेकिन बेटी अपने पिता की बात नहीं मान रही थी। बेटी की जिद को देखते हुए पिता ने युवक को जान से मारने का निर्णय लिया, जिसके लिए 559 किलोमीटर से मैदानी क्षेत्र से शॉप शूटर पिथौरागढ़ भेजे गए थे। हैरत की बात यह है कि यूपी से लेकर के पिथौरागढ़ के बीच जगह जगह पुलिस चौकियाँ हैं। अब इन सब के बावजूद शॉप शूटर तमंचा लेकर नगर में पहुँचे हुए खुलेआम तमंचे के साथ नगर में घूमते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बेटी के प्रेमी को रास्ते से हटाने को दी थी सुपारी। तो बेटी के विवाह से पूर्व पिता सुनील वेदी युवक की पारिवारिक पृष्ठभूमि जांचने सीमांत जनपद पहुंचा था, लेकिन पिता को रिश्ता पसंद नहीं आया। पिता ने इनकार के बाद भी युवती अड़ी रही। इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन जल्द होगा। तो टनकपुर से पीलीभीत तक रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण कार्य अब समाप्ति की ओर है। रेल खंड पर कुल 1276 पोल लगने हैं, जिसके जिनमें से 1000 से पोल लग चुके हैं। खबर है हल्द्वानी से, सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत। तो भुजिया घाट में दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहे बाइक सवार दो युवकों की खाई में गिरने से मौत हो गई। आधी रात हुए हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजन और काठगोदाम पुलिस ने उन्हें 108 से एसटीएच पहुंचाया, जहां दोनों को मृत करार कर दिया गया। फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाए। तो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन तिथि नज़दीक आ गई है, लेकिन डाकखाने में रसीदी टिकट नहीं मिलने के कारण अधिकांश आवेदक फॉर्म नहीं भर सके हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेसियों ने आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। कार्यकर्ता ने एसडीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि टिकट नहीं मिलने से वंचित आवेदक भी अपना आवेदन कर सकें। दो महिलाओं की मौत, एसजेजे भी बंद। तो भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व कुमाऊं संयोजिका नर्मदा तिवारी की कोरोना संक्रमण के बाद मौत हो गई। यहां बेस अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं हवालबाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी सावित्री डोभाल भी हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से उनकी भी मौत हो गई है। अल्मोड़ा निवासी महिला नेत्री की बुधवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए बेस अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी कोरोना जाँच की गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। एसजेजे की असिस्टेंट प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। गरुड़ में एक और नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई है। तो वन स्टॉप सेंटर और बाल विकास विभाग की टीम ने जिले में नाबालिग बेटियों के विवाह रुकवाने और लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया है। जनवरी तक भारत में बने टीके को मंजूरी मुमकिन। तो एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि भारत में दिसंबर महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक कोरोना टीका के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इमरजेंसी आधार पर आम लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। वहीं खबर है देहरादून से, युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। तो राजपुर क्षेत्र में दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देहरादून में निशान की एसयूवी मैग्नाइट लॉन्च हुई है। तो जेकेसी निशान ने बृहस्पतिवार को नए मॉडल निशान मैग्नाइट को लॉन्च किया है। निशान मैग्नाइट एक बिग ब्यूटीफुल और आकर्षक एसयूवी है, जिसकी कीमत 4,99,000 से शुरू हो रही है। 12 दिव्यांगों को मिला राज्य पुरस्कार। तो जिलाधिकारी कार्यालय में हुआ दिव्यांग सम्मान समारोह, डीएम श्रीवास्तव ने दिए पुरस्कार। वंचित छात्रों की बैक परीक्षा कराने की मांग। तो डीएवी पीजी कॉलेज के अंतिम वर्ष की बैक परीक्षा से वंचित छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर के एबीपी ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को ज्ञापन भेजा है। श्रीनगर में बनेगा 100 फीट ऊंचा घंटाघर। तो शहर के मध्य में स्थित गोला पार्क में 100 फीट ऊंचे घंटाघर का निर्माण होगा। इसके लिए 2 करोड़ की लागत आएगी। नई टिहरी से खबर आई है, जहाँ पे भिलंगना के 2 कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। चमोली में 43 व श्रीनगर क्षेत्र में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
रूपिन और सांकरी क्षेत्र में हिम तेंदुओं की मौजूदगी, तो रेंज में तेंदुआ का मल और पैरों के निशान मिले हैं। उत्तराखंड में पहली बार हो रही है हिम तेंदुए की गणना। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार की लाइफलाइन होंगे पुल और फ्लाईओवर, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में किया कुंभ कार्यों का निरीक्षण। भूमिगत बिजली की लाइन से घरों की दीवारों में दौड़ा करंट, तो भूपतवाला में गायत्री विहार की घटना, कई लोगों को झटके लगे हैं। हरिद्वार से खबर है, छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी भेजा गया जेल, तो अनिल कुमार की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर समेत कई थानों की पुलिस हरकत में आ गई है। 7 दिव्यांगों को मिला पुरस्कार, तो हरिद्वार से खबर आई है, किसानों के चक्का जाम से उद्योगों में फंसा माल, भगवानपुर की फैक्ट्रियों में तैयार पड़ा माल, उद्यमियों की चिंता बढ़ गई है। वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ बेटी नहीं मानी तो प्रेमी को मारने की दी सुपारी, तो शूटर ने तमंचे से नहीं चली गोली, लड़के की बची जान, आरोपी मौका देख करके फरार हो गया। तो बार बार समझाने पर भी जब बेटी अपने प्रेमी को छोड़ने को राजी नहीं हुई, तो पिता ने प्रेमी के नाम की 5 लाख की सुपारी दे दी। लड़के को मारने के लिए शूटर पिथौरागढ़ भी पहुँच गया। गनीमत यह रही कि शूटर के तमंचे से गोली नहीं चली और लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर से तमंचा छीन लिया। खुद को फंसता देख आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शूटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के प्रयास के आरोप में कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लड़की के पिता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गुड़गांव रवाना हो गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो हादसे में 2 दोस्तों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, तो बर्थडे मनाकर लौट रहे 2 युवक भुजिया घाट की खाई में गिरे हैं। वहीं बेताल घाट से खबर है, जहां पिकअप गिरी, टेंट कारोबारी की मौत हो गई। दोस्त से मिलने आ रहे युवक की हादसे में जान चली गई, तो हल्द्वानी चौरगलिया मार्ग स्थित सूर्य मंदिर के पास बुधवार को 8 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे इलाज कराने आई थी, पॉजिटिव निकली तो पति के साथ भागी। सुशीला तिवारी अस्पताल से बुधवार को कोरोना पॉजिटिव महिला भाग गई। बताया जा रहा है कि वह गर्भपात कराने के लिए आई थी, कोरोना जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वह पति के साथ भाग गई। मेडिकल चौकी पुलिस का कहना है कि महिला ने अपना गलत पता दर्ज कराया था। सुबह जा रही खाली दिन में मची मारामारी, तो नैनीताल के लिए रोडवेज बस में सीट के लिए यात्री परेशान हैं। पीजी डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी है, तो वंशीधर भगत और स्वास्थ्य सचिव ने हड़ताल वापस लेने को कहा है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से जिले में 22 केंद्रों पर आज डीएलएड की परीक्षा होगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो किसानों के समर्थन में जन संगठनों का प्रदर्शन, तो सरकार के खिलाफ नारे लगाए, 3 नए कृषि बिलों को बताया काला कानून। हाई स्कूल के फर्जी प्रमाण पत्र से बन गए ग्राम प्रधान, तो चंपावत से खबर है, जहां पर जिले के लोहाघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर गंभीर सवाल उठे हैं। कर्मी के संक्रमित आने पर कॉलेज बंद, तो 2 दिन बाद सोमवार को खुलेगा महाविद्यालय। आज से खुलेंगे तहसील और एसडीएम कार्यालय, तो चंपावत से खबर, जहां पे 7 कर्मियों के संक्रमित से मंगलवार से बंद रहे तहसील और एसडीएम कार्यालय शुक्रवार को खुलेंगे। शिक्षक पुस्तक आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 3 छात्रों ने नेट उत्तीर्ण किया, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। जाम की समस्या से परेशान हुए लोग, तो बागेश्वर से खबर आई, जहाँ पे नगर की सड़कों पर इन दिनों जाम की समस्या बढ़ गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की गई, तो बागेश्वर से खबर आई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो उधम सिंह नगर में सुरक्षित नहीं है महिलाएं, तो अपराधों के मामले में कुमाऊं में सबसे बदनाम जिले के रूप में उधम सिंह नगर की तस्वीर सामने आई है। महिला सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद उधम सिंह नगर में पिछले 10 माह में दुष्कर्म के 1,20,215, दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के 116 महिलाएं सील भंग का शिकार हुई हैं। उधार दी गई बीबी मामले में लगी एफआर, तो चुनाव लड़ने के लिए उधार दी गई बीबी
वापस नहीं लौटाने के मामले में दर्ज कराए गए मुकदमे में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। केलाखेड़ा में युवक समेत चार लोगों के सड़क हादसों में मौत हो गई, तो दोस्त का बर्थडे मनाकर के लौट रहे MBBG कॉलेज के छात्र की खाई में गिरने से मौत हो गई। खटीमा डाकघर में डाक टिकटों का टोटा, तो डाक टिकटों को लेकर के इन दिनों खटीमा डाकघर में खासी मारामारी मची हुई है। जरूरतमंद रोजगार की तलाश में डाक टिकटों के लिए बनबसा, टनकपुर के अलावा उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, न्यूरिया एवं मझोला जाकर जरूरत पूर्ति करने में जुटे हुए हैं। तो सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी परेशान हैं।